दिस ऐसे जाओगी इसकी जगह ओके जब भी मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना तो उस वक्त तो घर वालों को पता ही नहीं थी क्योंकि मैं चोरी छुपे निकली थी तो फिर जब वापसी में आई तो घर वालों को पता चला ऐसे तो मम्मा डांट के आई मार के आई घर तक लेके आया तो फिर एक दो दिन ऐसे हो गए मैं और चोरी छुपे निकलते गई फिर मैंने पापा को बोला कि ऐसे है कि मतलब मुझे फुटबॉल खेलना है तो पापा ने भी बोला फुटबॉल खेल के क्या करोगे आगे इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं गर्ल्स का यहाँ पर लड़कियाँ खेलती नहीं है इनफ तो फिर मैंने पापा को बोला नहीं आप थोड़ा सपोर्ट करो मैं खेलूंगी फिर पापा ने सपोर्ट किया फिर उन्होंने मम्मा को समझा के तो अब भी मेरे को सपोर्ट मिल रहा है जो कि अभी मैंने सी लाइसन कोर्स किया हुआ है तो जब मेरा सी लाइसन क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद मैंने दिमाग में ये सोच लिया कि अभी मुझे जे एंड के से बाहर काम करना चाहिए तो फिर मैं मुंबई आई मुंबई में यहाँ से सर के साथ इनको फ़ोन किया तो इन्होंने यहाँ पे बुलाया मुझे एज अ प्लेयर बुलाया था तो जो ही एज अ प्लेयर बुला के फिर सर को पता चला मेरा सी लाइसन क्वालिफाई हुआ है तो फिर सर ने मुझे यहाँ पे जॉब पे रख दिया कि अंडर 13 हेड कोच बना दिया तो यहाँ पे भी बच्चों के साथ काम कर रही हूँ अंडर 13 के साथ और आगे वाले दिनों में उससे ऊपर भी अंडर 15 अंडर 18 के साथ भी काम करूँ ऐसा है कि जब मतलब वहाँ पे हालात ख़राब रहते हैं तो पेरेंट्स बोलते थे नहीं जाओ खतरा हो सकता है कुछ भी लेकिन जिनको कुछ करना होता है वो कहीं से भी रास्ता ढूंढ के ग्राउंड तक पहुँच जाते हैं और सेम केस वैसा ही मैं कहीं से भी रास्ता निकाल के ग्राउंड तक पहुँच जाती थी बस मेरा बस ये मैसेज है उनके लिए कि अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो आपके लाइफ में तो आप उसको फेस करना चाहिए क्योंकि बिना फेस किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जैसे कि हम देखेंगे अभी कुछ हालात ख़राब हो गया तो बच्चा घर में बैठेगा या बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर होता है एजुकेशन का तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी एजुकेशन ठीक है लेकिन एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी चाहिए क्योंकि हम नहीं बोले कि चलो आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अब हाई लेवल तक जाएगा कम से कम वो फिट रह सकता है मेंटली फिट रह सकता है जो मेंटली फिट होगा तभी वो स्टडीज़ में ध्यान दे पाएगा तो ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स करेगा तो शायद बिगड़ जाएगा बच्चा मेरा ये के मानना है कि स्पोर्ट्स के साथ रहेगा उनका बच्चा ज़्यादा ही फिट रहेगा उससे तो उनको आना चाहिए आगे उनका जो भी अपना फेवरेट गेम है नॉट ओनली फुटबॉल क्रिकेट हो बैडमिंटन हो जो भी उनका स्पोर्ट्स हो वो आगे आए अपने स्पोर्ट्स में और आगे बढ़े